हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज देखेंगे बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए, बॉक्सिंग के मैदान को कहा जाता है। तो बॉक्सिंग के मैदान को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका रिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, बॉक्सिंग के ठीक है मैदान रिंग की लंबाई कितनी होती है, तो उसकी और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होता है आपका, सॉरी एक मिनट, ओके, तो इसको कहते हैं आपका चौड़ाई जो होती है और लंबाई 20×20 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग की ऊंचाई होती है तो ये होती है आपका 4 फीट, और रिंग के चारों कोनों को किन रंगों से चिन्हित किया जाता है? तो ये किया जाता है लाल और नीला रंग। मैं थोड़ा और देखता हूँ, और दो कॉर्नर सफ़ेद, ठीक है ना, लाल, इसीलिए रेड कॉर्नर और ब्लू कॉर्नर बोला जाता है, और दो कॉर्नर सफ़ेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बॉक्सिंग जो रिंग के रस्से जो प्लेटफॉर्म के कितने अंदर रहते हैं? तो ये आपका जो प्लेटफॉर्म के कितने अंदर रहते हैं, ये 1.5 फीट रहते हैं, 1.5 फीट। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग में रस्सों की कितनी संख्या होती है? तो ये होती है 3 या 4, तो अधिकतर 4 ही होता है। रस्सों का व्यास होता है, तो रस्सों का व्यास जो होता है यानी उसकी मोटाई जो होती है, कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होती है। रिंग में अगर रस्सों की संख्या 3 हो तो वह कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, और प्लेटफॉर्म से पहला रस्सा तो वो लगाया जाता है आपका 40 सेंटीमीटर में। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग उसके बाद जो दूसरा होता है वो 80 सेंटीमीटर, तीसरा 130 सेंटीमीटर होता है। रिंग में अगर रसों की संख्या 3 हो तो वह कितनी दूरी पर हो, तो वो दूरी 40 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और तीसरा रस्सी 130 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिंग में अगर रस्सों की संख्या 4 हो तो कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे, कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? ये आपका जो पहला होता है, पहला रस्सा प्लेटफॉर्म से 16 इंच, और दूसरा जो होगा आपका 28 इंच, और तीसरा इंच होगा 40 इंच, चौथा होगा 52 इंच। तो ये याद रख लेंगे, रस्से इतना डीपली नहीं होता रहने के लिए। कंपटीशन के दौरान खिलाड़ी किन रंगों के ग्लव्स पहनता है? तो ये वही जो ब्लू कॉर्नर रेड कॉर्नर दोनों पहनते हैं, एक लाल और एक नीला। तो ये आपका आंसर है लाल और नीला, इसको कोई भी जान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लव्स का भार होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है 227 से 284 ग्राम होता है। ये एक बार मैं कहीं देखा हूँ, इसको आ चुका है ये। गम शील्ड नामक उपकरण
किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? तो गम सील जो है मुंह में जो है लगाए जाते हैं, और ये आपका बॉक्सिंग में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो ये आपको बॉक्सिंग आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्सिंग में पुरुषों के लिए वेट कैटेगरी होती है, तो वेट कैटेगरी इसका होती है जो है 11, है ना। महिलाओं के लिए बॉक्सिंग में कितनी वेट कैटेगरी होती है? तो ये होती है 13 वेट कैटेगरी, यानी 11 प्लेयर्स और 13 प्लेयर्स कहना चाहिए। ठीक है, पिन वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? तो ये आपका जो है देख लेते हैं, महिला, और नेक्स्ट है लाइट, एक्सक्यूज मी, तो लाइट मिडिल वेट कैटेगरी बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होती है? तो ये होती है महिला वर्ग के लिए। ठीक है, लाइट मिडिल वेट कैटेगरी। सुपर हैवी वेट बॉक्सिंग में किस वर्ग के लिए होता है? तो ये पुरुष के लिए होता हैवी ना, सुपर हैवी वेट। महिलाओं के लिए पिन वेट कैटेगरी में कितना भार रखा जाता है? तो ये 0 से लेकर के 46 केजी तक रखा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2009 राजीव गांधी खेल रत्न विजेता मैरी कॉम, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैरी कॉम किस वेट कैटेगरी में थी? कब? 2009 में। उसका समथिंग समथिंग उतना ही रहता है। तो ये आपका वेट कैटेगरी है लाइट फ्लाइट वेट कैटेगरी 48, कितने में? 48 केजी वेट कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 2008 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता विजेंद्र सिंह की वेट कैटेगरी में आते हैं, तो ये 75 यानी मिडिल वेट कैटेगरी 75 केजी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IABF का फुल फॉर्म है, तो IABF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, सॉरी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग में कितने राउंड व कितने समय के होते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको देख लेंगे एक बार। ये 3 राउंड के प्रत्येक 3 मिनट के होते हैं, तो यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगर मैरी कॉम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो ये भी, अगर बॉक्सिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो ये आता ही है। शायद अभी तक मैं 2-3 जो है पेपर देखा हूँ, मतलब सॉल्व पेपर, उसमें ये मिला है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1 मिनट का रेस्ट होता है उसमें, 3 मिनट का राउंड चलता है, उसके बाद 1 मिनट रेस्ट, उसमें उसका मालिश वगैरह होता है ना। बॉक्सिंग में रेफरी की संख्या होती है, तो इसकी जो संख्या होती है वो 1 संख्या, और बॉक्सिंग में जजों की संख्या होती है, तो 5 जजें होती हैं और होते हैं। नॉक डाउनस यानी नामक मनोलॉजी किस खेल में प्रयोग होती है? ये इसको तो नहीं जानता, बॉक्सिंग में होता है होने के लिए, लेकिन ये क्या है अभी मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं आपका।
IABF का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन। फिर IABF की स्थापना कब हुई? तो ये हुई आपका 1953, 1953 में। और इससे रिलेटेड कुछ सन हैं, याद कर लेंगे तो ये याद रहेगा आपका। 1953 में और क्या हुआ था? चलिए, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा होगा तो डिसलाइक करें, अच्छा थोड़ा से भी अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।